हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे मिडी ड्रेस विथ रफल स्लीव्स। इसे बनाने के लिए मैंने नेट और बेस फैब्रिक दोनों 2.5 मीटर लिए हुए हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं टॉप और बॉटम की कटिंग अलग से करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने ये बेस फैब्रिक को 2/4 में रखा हुआ है। तो शोल्डर में लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट लूंगी। तो चेस्ट पार्ट में लूंगी 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें 2 इंचेस सिंगल आर्म्स के लिए ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 16 इंचेस की और यहाँ पे मैं कमर की ब्रॉडनेस लूँगी 10 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन कर लूँगी। अभी मैंने आमूल लिया था 7 इंचेस का, उसका हाफ होता है 3.5। तो वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं नेक की ब्रॉडनेस लूँगी 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। ये बैक का नेक है तो यहाँ पे मैं 2 इंचेस का नेक बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दूंगी इस तरह से। तो बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। तो ये है हमारा बैक का पार्ट। अब हम टॉप फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2/4 में रखा हुआ है और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ज़्यादा ली है 18 इंचेस की, क्योंकि हम फ्रंट में ओवरलैप करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2/4 18 इंचेस का रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने जो कट किया था ऑलरेडी उसे मैं इस तरह से रखूंगी। ये हमें ओपन साइड से रखना है। और मैं इसे सेम शेप में ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगी। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को नीचे तक एक्सटेंड कर दूंगी। तो इसे क्रॉस में बस नीचे तक एक्सटेंड करना है। और यहाँ पे मैं आर्म होल हाफ इंच अंदर से ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो आर्म होल में अंदर से ड्रॉ करूँगी 1/2 इंच। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये जो हमारा अंदर वाला आर्म होल है उसे हम कट करेंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है। तो इसी तरह से ये इसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो ये बेस फैब्रिक को मैंने 4/4 में रखा हुआ है और जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसे मैं
इस तरह से यहाँ पे रखूँगी, फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिला के मैं इस तरह से रखूँगी और ये हमारी ब्रॉडनेस पे मैं मार्क कर लूँगी। बॉटम की लेंथ मैंने 20 इंचेस की ली है। अब इस पॉइंट को मैं नीचे तक एक्सटेंड कर दूंगी क्रॉस में। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं नीचे यहां से थोड़ा राउंड शेप दूंगी इस तरह से। तो यहां बस हल्का सा राउंड शेप देना है। तो ये मैंने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से मुझे फ्रंट और बैक के लिए दो पार्ट मिल गए हैं। अभी मेरा मेन फैब्रिक है नेट का, इसके ऊपर हमने जो कट किया था उसे इस तरह से उल्टा रखूंगी। उसी तरह से फ्रंट के पार्ट को भी मैं उल्टा रखूंगी इसके ऊपर और वही शेप में हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम तीनों पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए तीनों पार्ट्स को कट कर लिया है वही शेप में। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फोर फोल्ड में रखा हुआ है और ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसे मैं इस तरह से रखूंगी फोल्डेड एरिया से मिला के और यहाँ पे मैं ब्रॉडनेस पे मार्क कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं बॉटम की लेंथ ले रही हूँ 24 इंचेस की। तो ये मैंने ली है 24 इंचेस। अब इस पॉइंट को मैं नीचे तक एक्सटेंड कर दूंगी। अब मैं इसे कट कर लूंगी। अब यहां पे भी मैं थोड़ा हल्का सा राउंड शेप दूंगी नीचे से। तो ये मैंने बॉटम कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड में रखा हुआ है, ये मैंने 9 इंचेस का फोर फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स का शेप दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं एक और शेप ड्रॉ करूँगी फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर से और मैं लेंथ ले रही हूँ 10 इंचेस और यहाँ पे मैं स्लीव्स की ब्रॉडनेस लूंगी 6.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लूंगी। तो इसी तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करूंगी दोनों को साथ में और जो हमने हाफ इंच अंदर से ड्रॉ किया था उसे मैं कट कर लूंगी। तो इसी तरह से मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अब मैं यहाँ पे रफल बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिप्स कट की हुई है
तो इसी तरह से मैंने 6 इंचेस की स्ट्रिप कट की है, दो है, और मैंने दो और स्ट्रिप्स कट की हुई है 3 इंचेस की लेंथ की। तो इसी तरह से ये दो मैंने कट कर ली है। तो इसकी हम रफल बनाएंगे दोनों स्लीव्स में। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने बेस फैब्रिक को उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे मैं पूरे नेक में सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ ये वाले पार्ट में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी। अब मैं इसे टर्न कर लूंगी राइट साइड पे। तो इसी तरह से आपको तीनों पार्ट्स को टर्न कर लेना है। इसी तरह से मैं इसे भी टर्न कर लूंगी। यहाँ पे मैं नॉचेस लगाऊंगी, उसके बाद में इसे टर्न कर लूंगी। और यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए मैंने टॉप पार्ट बना लिया है। इसी तरह से ये इसके ऊपर इस तरह से ओवरलेप होगा। अभी मेरा बेस का बॉटम पार्ट है, उसके ऊपर में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे रखूंगी और यहाँ पे दोनों को मिला के मैं पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं बैक का पार्ट भी तैयार करूंगी। अभी मेरा टॉप पार्ट है, उसकी ब्रॉडनेस है 20 इंचेस, तो ये भी मैं 20 इंचेस का ही रखूंगी, उतना ही मैं ओवरलेप करूंगी। तो ये मेरा राइट साइड है, उसके ऊपर मैं बॉटम को उल्टा रखूंगी। और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से ये मेरा राइट पार्ट है, इसके ऊपर मैं बॉटम को उल्टा रखूंगी और यहाँ पे मैं पूरी ब्रॉडनेस में सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं ज्वाइन कर लिया है। अभी मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं बैक को उल्टा रखूंगी और दोनों शोल्डर्स को मिला के हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रफल बनाऊंगी जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी। तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स लेनी है, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको प्लीट्स लेनी है। इसी तरह से हम रफल बनाएंगे। इसी तरह से पूरी लेंथ में आपको प्लीट्स लेनी है। और इसकी साइज का हमें इसे बनाना है, तो हम उतनी ही प्लीट्स लेंगे कि इसकी ब्रॉडनेस पे कवर हो सके। तो हम इस तरह से प्लीट्स लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे आपको इस तरह से प्लीट्स लेना है। इसी तरह से हम चारों स्ट्रिप्स पे प्लीट्स बनाएंगे। तो ये देखिए हमने बना दिया है, हमने वही साइज का इसे बना दिया है। अभी मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं ये
जो हमारी छोटी वाली लेयर है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर में जो हमारी बड़ी वाली लेयर है उसे मैं उसे भी उल्टा रखूंगी। और यहाँ पे मैं तीनों को मिला के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी इस तरह से। तो इसी तरह से ये मैंने रफल बनाई है। इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स में बना दूंगी। तो ये देखिए हमने रफल तैयार कर ली है। अब ये हम बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स में बॉर्डर बना देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं स्लीव्स को उल्टा रखूंगी और सेंटर से हमें यहाँ दोनों साइड से इसे जॉइन कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें इसे जॉइन कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूँगी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट लूंगी 19 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट है उसको बस हाफ कर दीजिए। और यहाँ पे मैं कमर की ब्रॉडनेस लूंगी 15.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन कर लूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की ब्रॉडनेस लूंगी 4.5। और यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँगी और यहाँ से मैं नीचे तक इसे बस स्लांट में एक्सटेंड कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स में फिटिंग कर लूँगी और यहाँ तक मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ तक फिटिंग कर दी है। अब यहाँ से मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को मिला के मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। इन दोनों को मिला के मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी और जो हमारा बेस फैब्रिक है उन दोनों को मिला के मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड से फिटिंग करूंगी। उसके बाद में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करूंगी। तो ये हमारा बेस फैब्रिक है उसे मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर दूंगी और पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। और ये हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो हमारे दोनों मेन फैब्रिक है उन दोनों को मिला के मैं इस तरह से नीचे तक फिटिंग करूंगी। और जो हमारे बेस फैब्रिक है उन दोनों को मिला के मैं नीचे तक फिटिंग कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने फिटिंग कर ली है और ये हमारी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। ये हमने रफल भी बनाई है। तो गाइस तैयार है हमारी मिडी ड्रेस विथ रफल स्लीव्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।